اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي। कि क्या ऐसा मुमकिन है कि नेक लोग और बुरे लोग सब बराबर हो जाएं? अगर मर के मिट्टी हो के ख़त्म हो जाओगे तो इसका मतलब फिर अच्छा करो बुरा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी धांधली अल्लाह के निज़ाम में नहीं हो सकती। इस पर कई हफ्तों बयान चला है। इंसान ये समझता है कि आज मैं अच्छी हालत में हूँ तो कल भी अच्छी हालत में होऊंगा, ये बड़ी गलतफहमी है। इसका अल्लाह ने कुरान में इन आयतों में जवाब दिया कि क्या हमने तुमसे कोई एग्रीमेंट किया हुआ है कि तुम हमेशा अच्छे ही रहोगे? लोग ऐशो इशरत में हैं, सेहत है, दौलत है, इज़्ज़त है, तो अल्लाह फरमाते हैं क्या ये समझते हो कि हमेशा ऐसे ही रहोगे? तो ये भी गलत फहमी है। हम देखते हैं दुनिया में कितने लोग कैसे कैसे मसाइल में घिरे होते हैं, तो हम उनको देख के ये समझते हैं कि ये तो इन मसाइल में आ गया, मैं नहीं आ सकता। इसलिए याद रखो, आफत ज़दा लोगों को भी जाके देखना चाहिए, मसाइल ज़दा लोगों को भी जाके देखना चाहिए, इससे इबरत होती है, इंसान के दिल में खौफ पैदा होता है। तो ये खौफ उसको अमल की तरफ लेकर आता है, क्योंकि इंसानी फितरत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर अल्लाह वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ा وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ कि अगर अल्लाह अपने बंदों के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा कुशादा कर दे और ये कायनात टेंशन फ्री हो जाए, कोई गम ही ना हो इसमें, टेंशनें क्या हो जाए ख़त्म, सबके पास पैसा, सबके पास सेहत और हर काम हटो बच्चों शुरू हो जाए, शादी टाइम पर हो गई, बेगम बिल्कुल सही, मियाँ को शोहर बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल सही आदमी मिल गया, सास एकदम एक्यूरेट, बिल्कुल कभी बहू को तंग उसने नहीं किया, यही होगा ना जुमने, सब कुछ अगर सही हो जाए। रिस्क की कुशादगी तो एक, यानी अल्लाह ने उसको तो एक बतौर अलामत के बयान किया ना कि रिस्क की कुशादा होने से लोग समझते हैं कि मसाइल हल हो जाएंगे। तो आयत का मतलब ये है कि अगर इंसानों के सारे मसाइल हल हो जाए, सब खुशहाल ज़िंदगी शुरू कर दें, सबके सर पे बाल हों, सबकी सेहत अच्छी हो और खाने को सबको सेहतमंद ग़िज़ा मिलती हो, और वही अभी जो मसाइल चलते हैं, बीवी भी ठीक हो, बीवी के लिए मियाँ भी ठीक, सास भी बहुत अच्छी हो, वो चाहती है कि मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रहें, ससुर साहब भी बहुत नेक, नंदे एक नंबर की हों, बेहतरीन, वो जब अपनी भाभी से मिलती हों अपने भाई की तारीफ़ करती हों कि हमारा भाई बहुत अच्छा, और जब भाई से मिलती हों कि किसकी तारीफ़ करती हों, भाभी बहुत अच्छी, इस भाभी को छेड़ना नहीं, इसको तंग नहीं करना, ये चांद सी भाभी है, समझ में आ रही? अगर ये सारा सेटिंग हो जाए ना, है नहीं ना मसला, सारे यही तो सारे मसाइल ही यही है ना, कंवारों की शादी हो जाए, जॉब अच्छी हो जाए, ठीक है ना, बिल जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उतना बिल आए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? FIR कटवानी है, आप गए चोर का नाम बताओ, FIR कट गया है 2 मिनट में, अगले दिन चोर अदालत में, आपने केस किया, आपको आपके पैसे मिल गए, चोर को सज़ा हुई, सज़ा के बाद वो बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन सज़ा के बाद। तो ये अगर निज़ाम हो जाए, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये सेटअप हो जाए, हर चीज़ क्या हो हटो बच्चों। वज़ीर आज़म ने इंतखाबात से पहले जो वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं, पूरे पूरे, जो जो कहा था बिल्कुल एज इट इज़ है भाई, वज़ीर आज़म बनने के बाद सब काम हो रहे हैं भाई। अपोजिशन ये कहे कि चलो 5 साल इसको तमीज़ से हुकूमत करने दो, इसका हक है, अगले 5 साल हम ट्राई कर लेंगे, एक दूसरे की टांगे ना खींचें, ये तो कोई बनता नहीं है, बनता है तो वो टांगे, वो अपनी टांगे संभालने में उसको ज़्यादा टाइम लगता है, हमारे यहाँ कोई वज़ीर आज़म बनता है ना कोई भी,
तो हुकूमत चलाने के बजाय उसको अपनी कुर्सी बचाने में टाइम, अब आप किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर को कहीं बिठाओ कुर्सी पे और उसे बोलो आपके ज़िम्मे ये प्रोजेक्ट है मुकम्मल करना है, वो बेचारा सुबह ऑफिस पे कुर्सी पे आके बैठा तो एक बंदा आके कुर्सी खींच रहा है, तो वो कुर्सी को पे टिकने में ज़्यादा सलाहियतें खर्च करेगा कौम की खिदमत नहीं करेगा वो, और अगर पहले से ही ना करना चाह रहा हो तो और बहाना मिल जाएगा उसको। तो इस कायनात में, इस ज़मीन में कुछ सही हो रहा है, कुछ उल्टा उल्टा पुल्टा, कुछ सही, कोई आप किसी से कोई बात समझा रहे हैं वो समझ जाए, आप किसी से कोई बात कर रहे हैं वो क्या हो जाए, वो बात समझ जाए। ऐसा होता है, समझाते हो अगला समझ ही नहीं रहा होता, आदमी कहते इसको देखो पागल हो गया है। तो अगर इस दुनिया में सब कुछ सही सही बिल्कुल हर चीज़ एक्यूरेट होना शुरू हो जाए, अदालतों में इंसाफ, पुलिस को पता हो कि किसको गिरफ्तार करना है, ठीक है ना, पुलिस को पता चल जाए कि यहाँ डकैती होने वाली है, हमने यहाँ पहले से पहुँच जाना है, और पुलिस देख के आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये जगह महफूज है, यहाँ पर हम बैठ के चाय पी सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा, वो उल्टा रहा है, पुलिस की मोबाइल खड़ी है, बेटा निकलो यहाँ से, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ, डॉक्टर आपको वो दवा लिख के दे, अगर एक ही मेडिसिन है, कंपनियाँ दो मुख्तलिफ हैं, तो वो आपकी खैरख्वाही में आपको वो कंपनी की दवा रिकमेंड करे जो सस्ती है आपके लिए, हालांकि रिज़ल्ट उसका वही है जो महंगी दवा का है, लेकिन वो सस्ती इसलिए लिख के दे रहा है कि भाई आपके पैसा बचेगा, आपका खर्चा बचेगा, जहाँ टीका लगाना है वहीं लगा रहा है ठीक है ना। वो जब दवा लिख के देता है तो मेडिकल स्टोर वाले की समझ में उसकी स्पेलिंग आ रही हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, डॉक्टर ने कीड़े मकोड़े बनाए, मैं दवा लेकर आया, वो गलत दवा दे दी मेडिकल वाले ने, एक तो हमने खा ली, अगली दफ़ा जब देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ यार ये कुछ अजीब सी लग रही है, ये कुछ क्या दे दिया, क्या तो उसने कहा वो सॉरी गलत दवा दे दी मैंने, तो वो डॉक्टर की स्पेलिंग की कीड़े मकोड़ों की वजह से, डॉक्टर ने लाल बैग बनाया था वो समझा कि कीड़े मकोड़े बने हुए हैं, ठीक है ना, तो वो खटमल समझा या कुछ और समझा। तो हर चीज़ अगर तमीज़ से हो, ना जाली हकीम हो, और डॉक्टर भी बिल्कुल फिट फाट, हुक्मरान भी, फ़ौज भी अपनी जिम्मेदारियां 100% पूरी कर रही हो, उसमें भी करप्शन बिल्कुल भी ना हो, एकदम हटो बच्चो होगा, तो पता है क्या होगा, निज़ाम आलम तबाह हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं होगा ये लबगौ फिल अर्ज, मुझे सब भूल जाएंगे मुझे भूल जाएंगे, मेरा इनकार भी होगा, मेरे पैगंबरों का इनकार भी होगा, मेरी किताबों का भी इनकार होगा, नमाज रोज़ा ख़त्म, हज ख़त्म, अल्लाह से दुआएं मांगना ख़त्म, लबगौ फिल अर्ज, ज़मीन में सब अल्लाह के बागी बन जाएंगे। समझते होगे नहीं समझते, इसलिए आप चाहते हो कि टेंशन ही ख़त्म हो जाए, अल्लाह कहते हैं ये तो नहीं ख़त्म होगी, पर मुझे तो कोई मानेगा ही नहीं, फिर टेंशन में ही तो अल्लाह याद आता है, पेट भरमों को अल्लाह थोड़ी याद आता है। तो लबगौ फिल अर्ज, ज़मीन में सब क्या करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी। ये बात पता नहीं किस बात पे शुरू की थी, यहाँ कहाँ से आ गई। हाँ तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि तुम ये समझते हो कि आज अच्छे हो तो कल भी अच्छे रहोगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो मसाइब हैं, मुसीबतें हैं, कुछ भी हो सकता है मुस्तकबिल में, अल्लाह बचाए फालिज भी हो सकता है, किडनी फेल हो गया, मालदार थे गरीब हो गए, घर में मोहब्बत थी लड़ाइयाँ शुरू हो गईं, बेरोज़गार हो गए, सेहत तबाह हो गई, जानी दुश्मनियाँ पैदा हो गईं, कुछ भी हो सकता है। और इस खुशफहमी में मत रहो कि आज अच्छी हालत में हो तो कल भी लाजमी अच्छी हालत में रहोगे, क्योंकि अम लकुम किताब उन फी ही तदरुसून, क्या तुमने किसी किताब में पढ़ा है कि हम हर तुम्हारे साथ अच्छा ही होता रहेगा, या हमने कस्में उठाई हुई हैं तुमसे, कस्में ली हुई हैं क़यामत तक के लिए कि तुम अच्छे ही रहोगे। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा, बोलो भाई, नहीं है।
मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/muftitarikmasood को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकअल्लाह।